नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पे। दर्शकों, एक जमीन विवाद में जानवर को जहर देकर मारने की बात सामने आ रही है। अभी लोगों से मैंने जुड़ा तो उन्होंने कहा कि हमारा गोतिया का झगड़ा है, उसी में इंसान को जहर देने के लिए उसका ही अपना परिजन लाया था, लेकिन इंसान को जहर किसी कारणवश नहीं दे पाया, लेकिन जानवर को जहर देकर मार दिया है। दो बैल और एक गाय, जो शायद गाय गाभिन भी है, ये मैंने तीन जानवर, गाय के पेट में जो बच्चा है, लगभग चार जीव की हत्या हुई है। ये टोटल मामला जांच का विषय है। ये लोग पूरी तरह से गरीब व्यक्ति हैं। अगर इनको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिलता है तो निश्चित रूप से इन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी। दर्शकों, आप अच्छी तरह जानते हैं गरीबों की जो पूंजी होती है, जमीन होती है, उनका जान माल होता है। ऐसे में अगर जान माल का नुकसान होगा तो निश्चित रूप से गरीबों की कमर और टूट जाएगी। एक और बताया जा रहा है कि हाँ, कई लोगों ने सिमुलतल्ला थाना में सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन सिमुलतल्ला थाना बोला कल आना, उसकी सूचना को नहीं लिया गया। इस मामले में वीरभद्र सिंह से भी बात करके आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। देश के नव निर्माण में हमारा भी योगदान। अंकित टीएमटी का वादा लोहे की उम्र ज्यादा। क्या नाम है आपका? शांति देवी। पति का नाम? पलंग राजक। अच्छा, कैसे ये जानवर कैसे मर गए? जानवर मर गया, देखिए परसों हमको तबीयत खराब था। आपकी तबीयत खराब थी? हाँ, तो हम घर में जैसे तिवारी थोड़ा भिड़का के सूता था, तो ये लोग दोनों प्राणी में बोल रहा था, मिठू रजक मदन रजक और उसका पत्नी, कि ये दोनों के मार देंगे जहर खिला के, तब कोई काम करने में बनेगा। किसको मारने की बात हो रही? हमारे मारने का और हमारे पति के मारने के लिए। अच्छा, दोनों को जहर खिला के मार देंगे तो कोई काम आगे बढ़ेंगे। क्यों, क्या क्यों मारना चाह रही थी आपको? क्यों मारना चाह रही थी कि वहाँ पर जो जमीन था ना, वो बंटवारा मैंने मेरा पति करवा दिया गोतिया भाई से। अच्छा। मैंने हिस्सा पाता तो उसको मैंने बंटवारा करवा दिया। बोल काहे तुम बंटवारा किया, तुम लोग का रहने नहीं देंगे। कौन बोला ये बात? ये बात मैं मिठू और मिठू की पत्नी बोला। आपको कोई लगता है रिलेशन है? हाँ, मिठू मदन रजक हमारा देवर है, मिठू और मदन दोनों नाम है। अच्छा, मदन रजक मेरा देवर है, उसका पत्नी पूर्णी देवी मेरा गुतनी है। अच्छा अच्छा। ये दोनों में बोल रहा था, हम सूते थे, वो नहीं समझा कि घर में ही सूता है। इतने बात सुन करके हम रात को खाना भीतर कर दिए, कि शायद नहीं बात दिन में बोलता था तो दे देगा। हम खाना भीतर कर दिए, उसको रात में खाना नहीं मिला। खाना में देने का आया था, नहीं मिला तो बैल के जो पानी पिलाते हैं उसमें कुछ डाल के पिलाते हैं, नीमक उमक, बस उसी में वो ढाल दिया। झगड़ा कब से चल रहा था आपका? ये सब जमीन के झगड़ा तो चल रहा था, मतलब बंटवारा यही चार दिन हुआ है। कौन दिन हुए बंटवारा? बुध के बंटवारा हुआ, जमीन का बंटवारा। हाँ, तो इसका झगड़ा पहले से चल रहा था आपका कि इधर चार दिन से स्टार्ट हुआ है? पहले से चल रहा था, पहले से चल रहा था पारिवारिक झगड़ा, जमीन विवाद चल रहा था। जमीन का विवाद है? हाँ, जमीन का विवाद ही चल रहा था। उसी समय ये बोल रहा था कि हम इसको मैंने तबाही करेंगे, ये आगू होता है ना, तो जब बंटवारा गोतिया हिस्सा पाएगा तो कैसे नहीं बांटेंगे। ये जानवर आप जो इनका है, वो आप कौन है उनका? हम मेरा पिता हुआ है। अच्छा, ये जानवर आप ही के हैं? हाँ, अच्छा, क्या हुआ था? हुआ था कुछ नहीं, भोरे निकाले माँ घास उस दिया, खाया ठीक, और अभी दिया पानी, बस उसी में जहर था कि दे दिया था और वो मर गया। पूरा छटपटाने लगा, छटपटा तो डॉक्टर को बोला है, डॉक्टर बोला कि सर इसको पोजन दे दिया है। कौन डॉक्टर था, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर मनोरंजन। पोजन कौन दिया? पोजन घर में था, मदन रजक था और पूर्णी देवी थी, यही दो गोटा रहता है, मेरा सास ससुर रहता है। चलिए, डेट किया है, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? कल सर अचानक जो हम लोग जो हाथ से देखे हैं, जिस तरफ से वो जानवर तड़प के मर रही थी, बल्कि मैंने नहीं, हर गांव वासियों, यहाँ पे दो तीन जाति के लोग रहते हैं, सभी ने आके देखा और इस तरफ से तड़प रही थी, और वहाँ पे मौजूद मुखिया जी भी थे। मैं जो लाइव वीडियो देखा हूँ, क्या मुखिया जी का नाम क्या है? मुखिया जी का बालदेव यादव। बिंदा देवी, बिंदा देवी है, उसके पति का नाम बालदेव यादव, जो वहाँ पे आए थे। वो प्रतिनिधि है मुखिया, प्रतिनिधि जी भाई। उसके बाद वहाँ पे एक डॉक्टर भी थे, जो हमारे गांव के या कहीं भी इलाके के कोई भी जानवर पशु को कुछ होता है वो आके इलाज करते हैं।
वो आके गए इंजेक्शन देखे तो सीधे यही बात किया है कि इसको पोजन दिया गया और ऐसा पोजन दिया गया कि बचेगा नहीं, चाहे कुछ भी इंजेक्शन लगा लो। काफ़ी उन्होंने प्रयास किया, एक गाय बैल जो है वो मौके वारदात के 10 मिनट के अंदर ही डेट हो गया और दूसरा आधे घंटे में डेट हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा उत्तम कुमार शाह है। कौन लगते हैं इसके जिसके यहाँ घटना घटी? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, पड़ोसी है। पड़ोसी गांव के, पड़ोसी गांव के हैं। हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और हम लोग बहुत सारे प्रयास किए कि ये जो गौ हत्या हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गौ हत्या एक इंसान की हत्या से कहीं ज्यादा गुना बड़ा है। बता रहे हैं कि मतलब आप लोग जो है जहर लाए थे परिवार को देने के लिए, नहीं दे पाए तो आप लोगों ने गाय को दे दिया, ऐसा आरोप परिवार वाले लगा रहे हैं। इनका गाय मरा है, क्या कहते हैं इस पर? हम कह रहे हैं यही कि वो जो है एकदम सरासर हमरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, झूठ बोल रहा है और हमको परेशान करने के लिए हमरे पर केस किया है। हम कुछ नहीं किए हैं, हम हिंदू हैं, हम कभी गौ हत्या नहीं करेंगे। जितना भी इल्ज़ाम लगा रहा है हमरे ऊपर, झूठ इल्ज़ाम लगा रहा है। रोड पर खाना पानी दिया और रोड पर खाया पिया और आधा घंटा उलट गया और वो कैसे मरा नहीं मरा, हम कसम खाने के लिए भी तैयार हैं, हिंदू हैं, जहां हमको कहता हम कसम खाने के लिए तैयार। फिर भी आप दोनों के बीच में कभी जमीनी विवाद भी चल रही थी? नहीं, वो 6 महीना पहले झगड़ा हुआ था उसका बड़ा बेटा कारू रजक से, हम लोग को मारा था, हमारा पुतोहू लोग को मारा पीटा। हम लोग केस मुकदमा नहीं किए और वो थाना से हम लोग उठा करके पर पंचायत से मुखिया से बॉन्ड बनवा करके और जो है सो थाना से हम लोग केस उठा लिए 6 महीना पहले, जनवरी में हुआ है 26 जनवरी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मदन रजक। घर कहाँ हुआ? बनगामा जी। ओके। घटना घटी है गाय को जहर देके मारने का, तो उसमें क्या मामला है, क्या आरोप है? मामला जमीनी विवाद है, कुछ दिन पहले ही फैसला हुआ था आपस में। तो एक पक्ष जिस पर आरोप लगाया जा रहा है वो पक्ष को संतुष्ट नहीं था, उसका कहना था कि ये फैसला सही नहीं है, हम फैसला भी नहीं चाहते, तो इस वजह से उसको टारगेट किया है, ये वजह से जहर उसको दिया गया है। तो आपका क्या मानना है कि हो सकता है वही जहर दिया है? जहर तो ऑटोमेटिक दिया है, इसलिए कि अचानक 3 गाय एक साथ ऐसे हादसा नहीं मर सकता है। ये क्या जहर देने का जो प्लानिंग बनाया गया था, क्या ये सोच करके गाय को ही देने के लिए बनाया गया था कि किसी और को? जैसे घर वाले ने कह रहा है कि जहर इंसान पर प्रयोग करने के लिए दिया था, लेकिन उसको शायद भनक लग गया तो नहीं उसमें कामयाब हो पाया, इस कारण से। क्या नाम है आपका? मुकेश रजक। आप कौन है यहाँ पे, उनके कौन लगते हैं? बगल के ही है, ग्रामीण है। ऐसे घंटे उठा लिया।